सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। सब मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज हमारे पीछे खड़ी है द ऑल न्यू BS6 रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 क्लासिक, जो कि नया कलर आया है ऑरेंज क्रश वाला। तो आज इसी का रिव्यू करने वाले, बताऊंगा आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, BS6 में क्या क्या चेंजेस हुए थे, जो वो सबको आपको पता ही होंगे, बट जो नया कलर आया मेन वो दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हाँ, जो शोरूम का एड्रेस और जो नंबर है वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में रहते हैं, जयपुर सिटी में रहते हैं, तो विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते रहिए आर्य व्लॉग्स। फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है ये बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लियर सा हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है। बल्ब आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि जो एक रेट्रो टाइप लुक है वही निकल के आता है अभी भी बाइक में से। बाइक ओवरऑल बिल्कुल सेम रखी गई है, जो आपको ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स देखने को मिलते थे बाइक के बिल्कुल सिमिलर रखे गए हैं। बट जो मेन चेंजेस आए हैं वो कलर में चेंजेस आए हैं, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। तो जो आपको रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ दिख रहा है, टैंक पे आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाते हैं बाइक में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो एक कलर है वो निकल के आ रहा है, अट्रैक्टिव कलर आप बोल सकते हो उसको, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहा है कलर। और जो ये गोल्डन साइज में जो फिनिश दिया गया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, चाहे किसी भी एंगल से देखो। रॉयल एनफील्ड आपको ऑरेंज कलर में ही लिखा हुआ दिखने को मिल जाता है। जो ये पर्टिकुलर कलर का नाम है, ये ऑरेंज क्रश इसका नाम रखा है रॉयल एनफील्ड ने, बिल्कुल परफेक्ट नाम रखा है। कि जो हल्का सा एक टेक्स्चर दिया गया है जो पूरे बैक के पोर्शन में ऑरेंज कलर का जो टेक्स्चर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और जो लुक निकल के ओवरऑल बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। जो बाइक पे अब इंजन जो पूरा ब्लैक कर दिया, उस पर क्रोम कम कर दिया, उससे बाइक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ी अग्रेसिव बाइक लगने लग जाती है। बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब अगर बात कर लीजिए बाइक के फ्रंट टायर के बारे में, तो फ्रंट टायर में आपको पहले देखने को मिल जाता है ये काफ़ी अच्छा अलॉयज जो आपको लगाने को देखने को मिल जाते हैं। स्पोक आपको इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। अलॉयज का जो ओवरऑल टेक्स्चर और जो क्वालिटी अलॉयज की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। अगर मैं बात करूँ फ्रंट ब्रेक के बारे में, तो आपको 280mm की डिस्क देखने को मिल जाती है फ्रंट में। डुअल चैनल ABS आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है। बाइक सेफ्टी पूरी आपकी रखी गई है, अगर आपको पावर दे रही तो आपको सेफ्टी भी पूरी मिल जाने वाली है। अगर बात करूँ टायर साइज के बारे में, तो 90x90 सेक्शन का 19 इंचेस का आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, जो कि आता है MRF जैपर की तरफ से। बाइक का जो टायर है ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, आपको पता है MRF के टायर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाने वाली है बाइक में। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो बाइक का फ्रंट लुक निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक रेट्रो टाइप जो लुक जो रॉयल इनफील्ड हमेशा से लेके आ रही है वही अभी भी इसमें देखने को मिलता है। वो आपको कहीं पर भी लैग फील नहीं होने वाला है, बाइक परफेक्ट है एकदम, आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, कि स्मूथर साइड पे रखे गए हैं। जैसे कि आपको पता है एक नॉर्मल कम्यूटिंग बाइक है, तो जो सस्पेंशन है थोड़ा सॉफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। भैया बात कर ली जाए बाइक के हर्ड बाइक के इंजन के बारे में, तो उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको उसका कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है। ये पूरा जो एग्जॉस्ट है आपको एक मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, अपीलिंग लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो क्वालिटी है ओवरऑल, जो फाइबर की भी क्वालिटी है, जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। फ्यूल इंजेक्टेड बाइक ये आती है। अगर मैं बात करूँ इंजन के बारे में, 346cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड EFI इंजन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि पावर पंप आउट करता है 18.9 BHP की, और आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 28 Nm का। तो काफ़ी ज़्यादा टॉर्क की बाइक है अपने 350cc के हिसाब से, अच्छा खासा आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है। वहाँ पे आपको इसका O2 सेंसर देखने को मिल जाता है। बाइक को जो यहाँ से भी लुक आ रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, ब्लैक और ऑरेंज का जो टेक्सचर रखा गया है बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आपको अभी इसमें किक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप कहीं जगह फंस गए हो जहाँ पर बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हो या मेंटेनेंस नहीं हो पाई है, तो आप इसको किक से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाइक बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। अब जैसे हम चलते हैं बाइक के रेयर सेक्शन की तरफ,
तो रियर सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे रखे गए हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि आपको नॉर्मल राइडिंग करनी है, सस्पेंशन बिल्कुल सॉफ्ट साइड पे ही रखे गए हैं। फाइव स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप क्लासिक 350 का ये बहुत ही प्यारा सा ऑरेंज कलर में आपको बैज देखने को मिल जाता है जो कि पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बैज काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लगाया गया बिल्कुल फिनिशिंग से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप बात कर लीजिए बाइक के रेयर टायर के बारे में, तो रेयर में आपको जो डिस्क देखने को मिलती है वो 240mm की आपको उसमें डिस्क देखने को मिलती है जो कि उस साइड है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले बात करूं बाइक के टायर सेक्शन के बारे में, आपको 120x80 सेक्शन का 18 इंचेस का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है जो कि अगेन आता है MRF Zephyr की तरफ से, मतलब आपको ग्रिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाने वाली है। रियर में आपको अलॉयज देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अलॉय का जो लुक है पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो ये ब्लैक पूरा जो मैट फिनिश रखा गया है बाइक पर उसके साथ वो अलॉयज मैच कर रहे हैं। बाइक बिल्कुल परफेक्ट है। ओपन चेन सिस्टम आपको देखने को मिलता है, यानी कि आपको चेन को ल्यूब कराना पड़ेगा हर 400-500 किलोमीटर पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप एक इतनी अच्छी बाइक खरीद रहे हो तो आपको उसकी मेंटेनेंस ज़रूर से करवानी चाहिए। अब अगर हम चलते हैं उस साइड, जैसे कि मैंने आपको बोला था इस साइड आपको इसका ब्रेक देखने को मिलता है। उससे पहले मैं बात करूँगा बाइक के टेल सेक्शन के बारे में, तो कुछ इस टाइप का आपको इसमें टेल देखने को मिल जाता है। आपको बल्ब वाली ही टेल लाइट देखने को मिलती है, बल्ब भी आपको इसमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल जो लुक निकल के आता है बैक से वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। यहाँ पर आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को जाती है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्योर जो ऑरेंज कलर निकल के आ रहा है काफी ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर में साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है बाइक में, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाइक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगती है, बिल्कुल अमेजिंग बाइक आपको देखने को मिल जाने वाली है। इस टाइप का आपको इसमें यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको इसकी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। डुअल चैनल ईबीएस से बाइक आती है, यानी कि आपको सेफ्टी जो है वो पूरी मिल जाने वाली है, आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं इस साइड भी आपको यहाँ पे क्लासिक 350 लिखा हुआ दिख जाता है। आपको अगर मैं इसके एक और स्पेशल फीचर के बारे में बताऊँ तो आपको इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपका साइड स्टैंड लगा और आपने बाइक स्टार्ट करके गियर में डाली है तो बाइक आगे नहीं चलने वाली, बाइक ऑफ हो जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं जो साइड स्टैंड की वजह से होते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको इसमें यह फीचर देखने को मिल जाता है। आपको इसमें 5-speed ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है जो कि मैनुअल है, ऑब्वियस ही बात है। 1 down and 4 up पे वर्क करता है, ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है पहले से। रॉयल इनफील्ड के ट्रांसमिशन पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते थे, बट अब जो ट्रांसमिशन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं बाइक के, तो बाइक के लुक्स तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। अगर मैं बात करूँ बाइक के सिटिंग कम्फर्ट के बारे में, तो कुछ सीट्स आपको ऐसी स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट है। आप इस पर लॉन्ग राइड्स पर भी जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं सीट के नीचे भी यहाँ पर आपको स्प्रिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि जो कम्फर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। बाकी जो ओवरऑल सीट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है, और जो ये कलर लग रहा है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर निकल के आ रहा है। आपको ये बिल्कुल शाइनी ग्लॉसी कलर देखने को मिल जाता है इस बाइक में। अगर मैं बात करूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो वही आपको जो नॉर्मल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता था वही अभी भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप की इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ आपको ऑडियो देखने को मिल जाता है, स्पीड देखने को मिल जाती है, इंजन माल फंक्शन की लाइट, और आपको यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको अभी भी कोई भी फ्यूल इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ लो फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाने वाला आपको इस बाइक में। अगर मैं बात करूँ स्विच गियर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको पास का स्विच देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आता हूँ राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पे इंजन किल स्विच देखने को मिल जाता है, इंजन स्टार्ट सेल्फ का बटन देखने को मिल जाता है। बाइक के जो पार्ट्स की क्वालिटी, जो स्विच गियर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है, ओवरऑल मुझे पर्सनली पसंद आ रही है। और जो मिरर्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। जैसे कि आपको पता है बुलेट में थोड़े वाइब्रेशंस होते हैं, तो उसी की वजह से फेमस होती है, बट जो वाइब्रेशंस है वो आपको बॉडी में वैसे फील नहीं होने वाले, जो पार्ट्स है वो वाइब्रेट नहीं होने वाले हैं इतने, क्योंकि जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। यहाँ पे आपको रियर में एक ग्रैब रेल भी देखने को मिल जाती है पतली सी, यानी कि जो पिलियन है उसको पकड़ के बैठ सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं यहाँ पे आपको उसको डबल स्टैंड पर लगाने के लिए यहाँ पे भी एक हुक देखने को मिलता है, डबल स्टैंड पर लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए। तो बाइक का जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश निकल के आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। बाइक पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो। जो पार्ट्स की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखेगी। तो ये सारी बातें हो गई बाइक की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या जो कलर चेंजेस हुए हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। बट अब बात कर ले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि बाइक की प्राइस के बारे में, कि इस बाइक की पर्टिकुलर प्राइस कितनी रखी गई है। तो मैं आपको एक्शोरूम प्राइस बता दूंगा इस बाइक की, क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करती है। तो जो ऑरेंज क्रश वाला कलर है पर्टिकुलर, इस कलर की एक्शोरूम प्राइस है 138,164 रुपीज़ में आपको ये
एक्स शोरूम देखने को मिल जाती है बाइक। एक्स शोरूम प्राइस मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऑन रोड प्राइस है वो वेरी करती है सिटी टू सिटी, इसलिए मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस बता देता हूँ। तो बाइक ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट आपको बाइक देखने को मिल जाती है। अगर आप एक 350 सीसी में बाइक ढूंढ रहे हो और ऑब्वियसली बात है एक बुलेट जैसी बाइक आपको देखने को मिल रही है, तो बुलेट तो अपने आप में एक नाम है, अपने आप में ब्रांड है, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हो। आपको फ्यूचर में सर्विस से रिलेटेड या पार्ट से रिलेटेड कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यही था अपना वीडियो इस अमेजिंग बाइक के बारे में। आई होप आपको सबको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, यहाँ तक देखा जरूर पसंद आएगा। तो लाइक करें बिना इस वीडियो को, कहीं नहीं जाना है, शेयर करते हैं हम सभी दोस्तों के साथ। मुझे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन उसको तो नहीं दबाया तो उस पर घूसा मारो या मुक्का मारो, बस वो दब जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बढ़िया सी अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस अमिगो साइनिंग ऑफ आर्य व्लॉग्स।